बेगूसराय से एक मुस्लिम परिवार ने समाज के कुछ असामाजिक तत्वों से तंग आकर हिंदू रीति रिवाज से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। इस दौरान उसके दो बेटों ने भी हिंदू धर्म को स्वीकार किया। बेगूसराय के गायत्री मंदिर में आयोजित शुद्धि यज्ञ में पंचमहला निवासी मोहम्मद अनवर ने अपने दो बेटों के साथ हिंदू धर्म को स्वीकार किया। मोहम्मद अनवर का मानना है कि वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के सभी क्रियाकलापों से समान रूप से भाग लेते थे। यही बात समाज के कुछ असामाजिक तत्वों को नागवार गुजरी, जिसको लेकर मोहम्मद अनवर को तंग किया जाने लगा। ऐसा नहीं ये हो रही थी कि हम जैसे साल में दो बार नमाज पढ़ लेते थे, तो होली दीपावली भी मना लेते थे, हम मुस्लिम कम्युनिटी के जो अंतिम क्रियाक्रम है उसमें जाके मिट्टी देने का काम करते थे, तो दाह संस्कार में भी भाग ले लेते थे। हमारे मेंटलिटी से कट्टरपंथी लोग क्षुब्ध हो गए और हमारे अगेंस्ट तरह तरह के साजिश शुरू किए, हमें तरह तरह से तंग किया जाने लगा। और परिणाम ये हुआ कि हम जिस समुदाय से बिलोंग कर रहे थे, मोहम्मद अनवर के अनुसार सनातन धर्म जीने की एक पद्धति है। मुसलमान से हिंदू बनकर खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राम नाम के नारे की गूंज के बीच ये कार्यक्रम सफल रहा। बता दें कि मोहम्मद अनवर पेशे से अधिवक्ता है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।